अस्सलामुअलैकुम। अब इससे पहले हम कुछ भी कहें, आपको हम बता दें हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है एजाज की बात, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएं। क्योंकि देखिए व्लॉग तो हम बनाते रहते हैं, आपको घुमा रहे हैं, लेकिन आपकी भी खुशियों के लिए हमारा दूसरा चैनल है एजाज की बात, उसको जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, वहां पर आपको मजा आएगा और आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। तो अब हम अपनी बात को आगे चलते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं निराला नगर, जहां पर अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको खाना पसंद है तो वहां पर मिलते हैं खाने। उसके अलावा अगर आपको कार लेनी है और पैसे नहीं है, सेकंड हैंड कार लेनी है, तो वहां मिलती है बहुत सारी सेकंड हैंड कार। तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे आज ये सारी चीज। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। इसके अलावा इसका सिर्फ नाम है निराला नगर, ये एक जगह है, क्योंकि निराला तो हर कोई अलग अलग है ना। अब अमीनाबाद में कपड़े मिलते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ कपड़े नहीं मिलते, लेकिन यहाँ कार मिलती है। अमीनाबाद में नहीं मिलती, अमीनाबाद में सेकंड हैंड कार लेंगे, वहां अपनी खुद की कार नहीं खड़ी कर सकते, सेकंड हैंड लेंगे, वो थर्ड हैंड हो सकता है एक्सपायर भी हो जाए चलने से पहले। तो ले चलते हैं आपको आज घुमाने के वास्ते कहां, निराला नगर के रास्ते। तो चलिए मेरे साथ। तो हम ये आ चुके हैं डालीगंज क्रॉसिंग के पास। अब आपको डालीगंज क्रॉसिंग सोच रहे हो कहां है, तो हमारा डालीगंज वाला वीडियो है, उसके अलावा IIM वाला वीडियो है, वो देखिए आप समझ जाएंगे। यह है डालीगंज क्रॉसिंग। तो इसी के आप ये जो सीधे वाली रास्ता देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो 8 नंबर चौराहे पर आएंगे, निराला नगर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अभी सीधे नहीं जाएंगे, आप इसी वीडियो में हम दिखाएंगे ये भी रास्ता जब वापस आएंगे तब। अभी हम इधर से चल रहे हैं, तो इधर से चलते हुए हम आपको ले चलेंगे निराला नगर की तरफ। तो हम चलते हैं इधर भी काफ़ी, ये आप देखेंगे तो जो मेरे राइट हैंड साइड पर है काफ़ी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है। तो हम इस रास्ते से चलते हैं और आपको दिखाएंगे आगे कि क्या क्या आता है इधर। जो इस इलाके के जो गैस एजेंसी होती है ना, जो गैस आती है, तो यहाँ पर वो भी है जिसको कि रुक्मणी गैस सर्विस कहते हैं। तो अगर जो आसपास के इलाके हैं, त्रिवेणी नगर में रहते हैं या जो इधर, उनकी गैस सर्विस सेंटर यहीं होते हैं। इसके अलावा ये इस रास्ते में आप सीधे चले जाएंगे तो अलीगंज पहुँचेंगे। देखिए ये है, यहाँ पर ये गैस एजेंसी यहीं से मिलती है सब, रुक्मणी गैस सर्विस। और ये सीधा ये जो पुल जा रहा है ये आपको अलीगंज उतार देगा अगर उधर से जाएंगे, और ये रास्ता भी सीधे अलीगंज जाती है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो हम इधर मुड़ जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो अब ये हम आ चुके हैं, इधर से सीधे जाएंगे और इस रास्ते पर पड़ेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, ये सब घर हैं लोगों के। तो आगे चल रहे हैं, आगे आएगा इस इलाके का पोस्ट ऑफिस, निराला नगर पोस्ट ऑफिस, तो वो हम आपको दिखाएंगे। इधर से आपको गलियां हमने सोचा दिखा दे, तो इस वजह से हम इधर से आए ताकि ये रास्ता भी दिखा दे, क्योंकि उस रास्ते से हम लौटेंगे तो वो रास्ता भी हम आपको दिखा देंगे। तो अब इधर हम चल रहे हैं, देखिए ये एक रास्ते हैं, ये अंदर कई सारे जो हमने पहले दिखाया था, और अभी जब लौटेंगे तो भी दिखाएंगे, रास्ते कटेंगे तो ये पुल से इधर आ सकते हैं पार करके। तो अब हम इधर आ चुके हैं, ये पुल खत्म होने वाला है, पुल जैसे खत्म होगा तो देखिए ये है निराला नगर पोस्ट ऑफिस, ये नहीं ये है पोस्ट ऑफिस, ये देखिए काफी बड़ा है ये भी। तो यहाँ से और ये आप जो अभी हम आगे चल रहे हैं, खैर चौराहे के बारे में बाद में बताएंगे। देखिए ये जो पीछे ये पुल जो अभी हम देख ही रहे थे, ये पुल है, ये पुल सीधा अलीगंज आपको उतार देगा, लेकिन हमें अलीगंज नहीं जाना है अभी। देखो मेरे पीछे जो पुल जा रहा है ये अलीगंज जाएगा, लेकिन हम आगे चल रहे हैं तो अलीगंज नहीं जाएंगे, हम सीधे निराला नगर जाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं सीधे, देखिए ये जो अब आएगा जो पहला, देखिए यहाँ पर भी ये फिटनेस वगैरह के दुकान वगैरह हैं सब, तो ये आप रास्ते में देख ही सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अंदर जाएंगे तो डॉक्टर भी हैं, हमने देखे हैं, अभी हमें तो ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन है, अंदर जाएंगे देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है ये सोसाइटी के अंदर। तो ये जो सबसे ये चौराहा आ रहा है ये है यहाँ का फेमस चौराहा, इसको कहते हैं 8 नंबर चौराहा। तो इस रास्ते देखिए ये जो रास्ता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लौटेंगे तो दिखाएंगे, और ये डालीगंज क्रॉसिंग जाएगा। तो ये अभी इस वीडियो में ही दिखाएंगे जब हम वापस लौटेंगे। तो अभी हम ये सीधे चल रहे हैं निराला नगर, तो यहाँ से हम दिखाएंगे। तो यहाँ से अब आगे शुरू हो जाते हैं, देखिए पहले ये पड़ता है ये सेकेंड हैंड कार बाजार, यहाँ से आप कार ले सकते हैं, ये पहली दुकान है। और ये देखिए यहाँ पर अभी ये शाम का वक्त है, दोपहर रात होते होते और ज़्यादा स्टॉल लग जाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन खाना मिलता है और एक से एक सब कुछ मिलता है यहाँ पर वेजिटेरियन में, जो भी होता है सब कुछ, सोया चाप से लेके। और ये मानसरोवर, ये भी फेमस है, यहाँ की मिठाई वगैरह मिलती है। ये है होटल, ये भी इसका नाम रेगनेंट नाम था शायद, हमें याद नहीं है, हाँ रेगनेंट ही नाम है, भूल जाते हैं। तो ये है और आगे चलते हैं अब, ये भी ये मैरिज हॉल है सब इधर के बने हुए, मैरिज हॉल भी इस रास्ते में काफी ज्यादा। ये देखिए ये भी एक होटल है खाने का। और आगे चल रहे ये जो रास्ते जाएंगे ये डालीगंज चले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे जो रास्ते कटेंगे आप जाएंगे तो डालीगंज आपको ये पहुंचा देंगे। और यहाँ पर ये रास्ता आप देख सकते हैं कि ये है दूसरी जो कार, यहाँ से भी ले सकते हैं सेकंड हैंड, ये दूसरा
क्या बोलेंगे इसको, दुकान ही बोलेंगे, दुकान है। तो और देखिए ये भी सब रास्ते उधर ही, ये इधर के राइट हैंड वाली जितने रास्ता है सब अगर जाएंगे तो अंदर कहीं ना कहीं आपको डालीगंज ही पहुंचाएंगे लास्ट में। ये है लेफ्ट हैंड और ये सीधे अब हम चल रहे हैं आगे, ये राइट हैंड साइड पर कार बाजार, कितनी ज्यादा कार है आप ये देखें। अभी एक और पड़ेगी और आगे चलेंगे, देखिए ये भी एक आ रही है, ये देखिए यहाँ पर शादियाँ होंगी और ये है G24 कार्स। और अभी देखिए ये है मंदिर श्री राम कृष्ण मठ इसका नाम है और ये हमारे बचपन में काफी समय लगा था इसको बनने में, पर बहुत बड़ा मंदिर है ये। और आगे अब इसके आगे जाएंगे राइट हैंड साइड पर हेजल नट फैक्ट्री पड़ेगी, ये निराला नगर में, एक हमने हजरतगंज में भी देखी। और इस बाजार के बारे में हम आपको बताते हैं आगे चल के, और उससे पहले हम आपको बता दें जो राइट हैंड साइड पर अब आगे से जो रास्ता कटेंगी वो आपको आईटी चौराहे पहुंचा देंगी, इधर से राइट कटेंगे और फिर लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो आईटी चौराहा पहुंचेंगे। ये है हेजल नट फैक्ट्री और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर बाजार है ये त्यौहार के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर आप होली के दिन आएंगे, देखिए ये जो राइट हैंड जाएंगे तो आईटी चौराहा पहुंच जाएंगे, पर इधर लेफ्ट पे विवेकानंद हॉस्पिटल भी है और ये बाजार है, ये चेंज होते रहती है। होली के टाइम पर आपको कलर मिल जाएंगे, रक्षाबंधन में राखियां मिलने लगेंगी, ये बाजार चेंज होते रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये सब मिल रहे हैं, तो जैसे त्यौहार आते हैं आप यहाँ आएंगे तो आपको त्यौहार के हिसाब से चीजें मिलती रहती हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो अब हम सीधे चल रहे हैं, सीधे है विवेकानंद हॉस्पिटल राइट हैंड साइड पर, ये पुल हम नीचे चलेंगे, पुल पार नहीं करेंगे ये यहाँ से। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं विवेकानंद राइट हैंड पर, लेकिन इससे पहले देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये भी एक हॉस्पिटल है, ये गैस्ट्रो केयर, ये ग्लोब गैस्ट्रो केयर, और आगे ये कैंसर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे हमने देखा था कैंसर का लिखा हुआ था, तो ये कैंसर हॉस्पिटल भी है। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए ग्लोब कैंसर केयर, ये हम रास्ते में जाते तो ये पड़ता है, बाकी हम अंदर तो गए नहीं कभी। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कभी आपको जाना ना पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये हमने दिखा दिया आपको, एक ऐसा हॉस्पिटल है। तो ये राइट हैंड साइड पर विवेकानंद है, सामने दुकान लगी है, हॉस्पिटल है, जाहिर सी बात है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। और आगे जाएंगे तो ये देखिए ये है मेडिकल स्टोर, जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है तो जाहिर सी बात है दवाइयाँ वगैरह लिखते हैं, तो इधर मिलती है दवाई, आप ले सकते हैं। तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड पर अब हम मुड़कर आपको पहले हॉस्पिटल दिखा दे रहे हैं, फिर से हम वापस उधर से लौट करके आएंगे और आपको और आगे निराला नगर की गलियाँ दिखाएंगे। तो ये अब हम चल रहे हैं, आपको हम ये जो देखेंगे ये यहाँ से अब आपको हम पहले दिखा रहे जा रहे हैं विवेकानंद हॉस्पिटल, और यहाँ पर तो आपको ये बताइए कि खाना पीने का सब सामान मिल रहा है। ये देखिए ये है विवेकानंद पॉलीक्लिनिक और ये काफी बड़ा है, आप देखिए पीछे तक जाता है, यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं लंबाई चौड़ाई, काफी बड़ा हॉस्पिटल है और काफी फेमस है विवेकानंद हॉस्पिटल। लखनऊ में अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है आपको कोई रेफर भी करे, अगर आप लखनऊ के बाहर रहते हैं कि विवेकानंद हॉस्पिटल जाओ, तो ये है विवेकानंद हॉस्पिटल, यहाँ आप आ सकते हैं। ये इस रोड पे सीधे जाएंगे, आईटी चौराहा पड़ेगा, सीधे चले जाएंगे परिवर्तन चौक पड़ जाएगा, पर हम अभी यहाँ से मुड़ेंगे फिर से और जहाँ से हम इस रास्ते से गए थे, क्योंकि अब हम इधर से जाएंगे और सीधा निराला नगर के रास्ते हम फिर से जाएंगे, और जो रास्ते हमने आपको बताए थे कि अभी हम देखेंगे तो अब हम आपको वो रास्ते दिखाएंगे। देखिए ये रास्ता है, यहाँ से आप सीधे जा सकते, ये निराला नगर के अंदर चला जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे से मुड़ेंगे। तो अब हमारी जो मंजिल है वो यही है कि हम यहाँ से देखें, ये रास्ता है, यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट ले तो ही पहले एक स्कूल पड़ेगा, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखें ये यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट और ये देखिए ये स्कूल है एक, इसका नाम है परवरिश स्कूल, और ये आपको हम गलियाँ दिखा दे रहे हैं। और ये इलाका कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, पैसे वाला इलाका है। तो चलते हैं, अब देखिए निराला नगर है ये, तो अब यहाँ से मुड़ चुके हैं, इसकी गलियाँ देखें, तो ये रास्ता निराला नगर के अंदर है। हमने सोचा आज आपको हम निराला नगर घुमाते हैं, तो इस तरह से कुछ पड़ता है, आप देखें क्या घर है यहाँ पर, है ना, ये भी लखनऊ का ये इलाका है और महंगे घर हैं, महंगा इलाका है ये लखनऊ का। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे और आगे दुकानें पड़ती है, ये जो रास्ता सीधे जाएगा, हमने जो आपको बताया था 8 नंबर चौराहे पर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, तब वहीं जा रहे हैं आप देखिए हम फिर से 8 नंबर चौराहे की तरफ जा रहे हैं और फिर सीधे चलेंगे जहां से हम नहीं आए थे और अब उस रास्ते से आ रहे हैं, तो हम चलते हैं सीधे। तो अब हम यहां से चल रहे हैं और ये रास्ता सीधे जाएगा 8 नंबर चौराहा, देखिए ये भी
दुकान है, समोसा मिठाई यहाँ भी मिलती है और लेने भी आते हैं यहाँ से। तो अब चले ये, और इसके अलावा ये 8 नंबर चौराहे से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एक मेडिकल स्टोर है, ये भी काफ़ी फेमस, तो दवाइयाँ इनके पास मिल जाती हैं काफ़ी। तो हमने ये चौराहा पार किया है यहाँ से, देखिए ये अब हम रास्ते इस रास्ते से नहीं आए थे, हम मुड़ गए थे, तो ये है वो रास्ता। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो पिंक कलर की बिल्डिंग है वो हम आपको दिखाते हैं, ये है सरस्वती कुंज, ये भी स्कूल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए ये भी स्कूल है इस रास्ते पर, ये है निराला नगर की रास्ता और हम सीधे चल रहे हैं, ये यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर भी आपका मन हो तो यहाँ पर भी सामान मिलता है खाने पीने का। और ये जो यहाँ से जाएंगे ना, ये लेफ्ट जहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा है, ये सब भी रास्ते डालीगंज ही पहुँचाएंगी, लेफ्ट जाके राइट मुड़ेंगे तो। और ये जो सीधे पुल आ रहा है, ये पुल जाएगा सीधे राइट मुड़ जाएगा और फिर IIM रोड जिधर गए थे, सीतापुर रोड होते हुए IIM की तरफ चला जाता है। ये जो पुल सामने दिख रहे हैं, ये पुल सीधा IIM वाला वीडियो भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देख सकते हैं, हमने वो बनाया हुआ है। तो अब हम इधर से चल रहे हैं, यहाँ पर ये भी हॉस्पिटल है, यहाँ पर इधर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर बच्चों की डिलीवरी होती है, ये वाला नहीं, राइट हैंड साइड पर, और इधर तो जांच होती है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये देखिए ये हॉस्पिटल है। और जहां से हम मुड़े थे वो ये मेरे राइट हैंड साइड पर, अगर आप देखेंगे इस वीडियो में, ये जो है ना, यहाँ से हम चले गए थे, हम सीधे ना जाके इधर से गए थे। और इधर ये है, ये डालीगंज और ये डालीगंज क्रॉसिंग बस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके अलावा जैसा भी वीडियो लगता है उसका कमेंट लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें आइडिया मिलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से जो भी जैसा लगा लिखते रहे कमेंट में, तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज़।